क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी पर शीर्ष 10 सबसे डरावनी जगहें कौन सी हैं? हम एक डरावनी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो उन स्थानों की खोज कर रही है जो अपने भयानक वातावरण, प्रेतवाधित इतिहास और रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा करने वाले भूतों के दर्शन के लिए जाने जाते हैं। परित्यक्त प्रायद्वीपों से लेकर वर्णक्रमीय वनों तक इन स्थलों ने दुनिया में सबसे भयानक स्थानों के रूप में अपनी प्रतिष्ठा अर्जित की है। प्रत्येक स्थान के पास बताने के लिए एक अनोखी कहानी है तो अज्ञात में एक रोमांचक या परेशान करने वाली घटनाओं से भरी हुई। यदि आप में साहस है तो टिके रहें। जैसे ही हम 10वें नंबर पर अपनी उलटी गिनती शुरू करते हुए इन ठंडे स्थानों में घुसते हैं, हमारे पास लंदन का कुख्यात टॉवर होता है। टेम्स नदी के उत्तरी तट पर स्थित इस ऐतिहासिक महल ने कई उद्देश्यों को पूरा किया है। 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इसकी स्थापना के बाद से यह एक शाही महल, एक खजाना, एक शस्त्रागार और सबसे डरावनी बात यह है अतीत ने अनगिनत आगंतुकों और कर्मचारियों के साथ भयानक मुठभेड़ों की रिपोर्ट करते हुए भूतिया घटनाओं के लिए प्रतिष्ठा बना दी है। सबसे प्रसिद्ध वर्णक्रमीय निवासियों में राजा हेनरी सिक्स की दूसरी पत्नी एनी बोलिन हैं, जिनका वहां 1536 में सिर काट दिया गया था। गवाहों ने उनके भूत को बिना सिर के टॉवर के गलियारों में घूमते हुए देखने की सूचना दी है। एक अन्य प्रसिद्ध प्रेत श्वेत महिला है जिसे अपने सरूनी टॉवर में देखा गया। टॉवर ऑफ लंदन ने हमारी सूची में अपना स्थान सही ढंग से 9वें नंबर पर आते हुए हम जापान के अयोकीगाहारा जंगल में जाते हैं। पेड़ों के सागर के रूप में जाना जाने वाला यह घना जंगल माउंट फूजी के आधार पर स्थित है, जो एक लुभावनी दृश्य पेश करता है जो इसकी डरावनी प्रतिष्ठा को दर्शाता है। अयोकीगाहारा जंगल एक आत्मघाती हॉटस्पॉट के रूप में कुख्यात है, जहां पूरे क्षेत्र में संकेत लगे हुए हैं और आगंतुकों से अपने परिवार के बारे में सोचने और मदद मांगने की अपील की जाती है। स्थानीय अंधविश्वास कहा जाता है कि लंबे समय से जंगल को यूरे जंगल की गहराई से भूतों का घर मानते हैं, जो पहले से ही उदास वातावरण में एक भयानक परत जोड़ती है। स्थानीय लोगों और निडर यात्रियों के बीच भूत दिखने की एक आम कहानी अयोकीगाहारा को रहस्य और भय के स्थान के रूप में स्थापित करती है। फिर भी अपनी गहरी प्रतिष्ठा के बावजूद जंगल की प्राकृतिक सुंदरता निर्विवाद बनी हुई है। शांत मौन के साथ मिलकर हरी भरी हरियाली एक विरोधाभासी अनुभव प्रदान करती है। गहरा जंगल एक ऐसा स्थान जहां प्रकृति की सुंदरता एक गहरा रहस्य छिपाती है। 8वें नंबर पर हम पेरिस कैटाकॉम्ब की गहराई में उतरते हैं। फ्रांसीसी राजधानी के नीचे सुरंगों और गुफाओं का यह विशाल नेटवर्क 18वीं शताब्दी के अंत में बनाया गया था। शहर खचाखच भरे कब्रिस्तानों से जूझ रहा था और समाधान उतना ही व्यावहारिक था जितना कि यह रुग्ण था। अवशेषों को शहर के नीचे अप्रयुक्त पत्थर खदानों में स्थानांतरित करें। इन वर्षों में अनुमानित 6 मिलियन लोगों की हड्डियों को स्थानांतरित किया गया, जिससे भूमिगत भूल भुलैया मृतकों के शहर में बदल गई। दीवारें करीने से व्यवस्थित खोपड़ियों और हड्डियों से सजी हैं, जो शहर के अतीत की याद दिलाती हैं। और यदि इन मानव अवशेषों की दृष्टि पर्याप्त डरावनी नहीं है तो भूतिया मुठभेड़ों की अनगिनत रिपोर्टें हैं। आगंतुकों और कर्मचारियों ने समान रूप से अस्पष्टीकृत घटनाओं की सूचना दी है। भयानक फुसफुसाहट से लेकर तापमान में अचानक की विनाश लीला, प्रेम नगरी के तले मौत का लभ्यरिंथ, वह स्थान जहां इतिहास और आतंक का मिश्रण है, जिसे दुनिया के सर्वाधिक डरावने स्थलों की यात्रा में एक यादगार मोड़ के रूप में जाना जाता है। हमारी सूची में 7वें स्थान पर हमें अमेरिका के पूर्वी तटीय प्रायद्वीप में स्थित एक जेल ले जाता है। यह कारागार अपनी श्रेणी की सर्वाधिक चर्चित जेलों में एक एक गहरा और डरावना इतिहास अपने अंदर समेटे हुए है। ये 1829 से 1971 तक 140 वर्षों से अधिक समय तक सक्रिय रहा, जहां कभी अमेरिका के कुछ कैदियों की सूची में अपराधी गैंगस्टर अल कैपोन और बैंक लुटेरा विली सटन जैसे नाम गिने जाते हैं। इन गॉथिक शैली की मजबूत दीवारों के अंदर उन्होंने जो समय बिताया वह आज भी कई जिज्ञासु लोगों के लिए रोमांचकारी विषय है। हालांकि यह स्थान सिर्फ कुख्यात कैदियों की वजह से ही नहीं, बल्कि पूर्वी राज्य प्रायद्वीप में होने वाली असामान्य और अजीबोगरीब घटनाओं के कारण भयानक अनुभवों का वर्णन चुका है। छायादार आकृतियों और भूतिया फुसफुसाहटों से लेकर देखे जाने की डरावनी अनुभूतियों तक, इन कहानियों के कारण जेल को अमेरिका में सबसे प्रेतवाधित स्थानों में से एक माना जाता है। पूर्वी राज्य कारागार, जहां अतीत के कैदियों की गूंज अभी भी इसके हॉलों को परेशान करती है। 6वें नंबर पर हम मेक्सिको में गुड़ियों के भयानक द्वीप पर जाते हैं। झोकिमिल्को की नहरों में बसे इस असामान्य द्वीप का इतिहास इसके स्वरूप जितना ही डरावना है कि द्वीप के कार्यवाहक डॉन जूलियन सैंटाना बैरेरा ने एक युवा लड़की के शव की खोज की जो रहस्यमय परिस्थितियों में डूब गई थी।
अपनी मृत्यु से आहत होकर बेरेरा ने अपनी बेचैन आत्मा को शांत करने के प्रयास में द्वीप के चारों ओर गुड़िया लटकाना शुरू कर दिया। समय और तत्वों से प्रभावित गुड़ियाएं एक परेशान करने वाला दृश्य प्रस्तुत करती हैं। उनकी बेजान आंखें और विकृत चेहरे द्वीप के दुखद अतीत और स्थानीय लोग गए हैं। समान रूप से भयानक घटनाओं, हवा में फुसफुसाहट, गुड़ियों की आंखें झपकाने और यहां तक कि छोटी लड़की के भूत के देखे जाने की रिपोर्ट करते हैं। चाहे ये कहानियां अतिस्क्रिय कल्पनाओं से उपजी हों या सच्चाई का अंश रखती हों, एक बात निश्चित है, गुड़ियों का द्वीप एक खौफनाक श्रद्धांजलि जो आपको रुला देगी। पांचवें नंबर पर हमारी सूची के आधे रास्ते में हम कोलोराडो के सुंदर चट्टानी पहाड़ों में होटल में जांच करते हैं। स्टेनली होटल 20वीं सदी की शुरुआत में स्थापित एक अद्भुत आकर्षण बिखेरता है। फ्रीलैंड ऑस्कर स्टेनली द्वारा इस भव्य इमारत का एक समृद्ध इतिहास है, लेकिन यह स्टीफन किंग के उपन्यास द शाइनिंग के लिए सबसे प्रसिद्ध है। किंग और उनकी पत्नी 217 कमरे में रुके थे और एकांत भयावह माहौल ने उनकी डरावनी कृति की उत्पत्ति को जन्म दिया, लेकिन होटल की प्रतिष्ठा किंग के उपन्यास से भी आगे तक फैली हुई है। कई मेहमानों और कर्मचारियों ने प्रेत पियानो संगीत से लेकर हॉल में खेलने वाले बच्चों तक कई भूतियां मुठभेड़ों की सूचना दी है। भयानक कहानियों की कोई कमी नहीं है। कुछ लोग यह भी दावा करते हैं कि उन्होंने श्री स्टेनली और उनकी पत्नी फ्लोरा को परिसर में घूमते हुए देखा है। स्टेनली होटल, जहां आप अपने कमरे में एकमात्र अतिथि नहीं हो सकते हैं। हमारी सूची में चौथे नंबर पर इटली का परित्यक्त पाविलिया द्वीप है। वेनिस लैगून में स्थित इस द्वीप में एक ठंडा दर्रा है जो आपकी रीढ़ को कंपा देने के लिए के दौरान एक संगरोध स्टेशन के रूप में कार्य किया, जो हजारों प्लेग पीड़ितों के लिए अंतिम विश्राम स्थल बन गया। इसमें कहा गया है कि उनकी चीखें अभी भी द्वीप की परित्यक्त इमारतों में गूंजती हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में पाविलिया ने एक मानसिक आश्रय स्थल के रूप में एक नई भूमिका निभाई। ऐसी अफवाह है कि पागलखाने के डॉक्टर ने मरीजों पर भयावह प्रयोग किए इससे पहले कि वह पागल हो गया। कुछ लोगों का दावा है कि उसका पेट घर से छलांग लगा निवासियों को पीड़ा पहुंचा रहा है। जिन बहादुर लोगों ने वहां जाने का साहस किया है, उनके बीच भूत दिखने और भयानक अनुभवों की खबरें आम हैं। इतालवी सरकार ने इस द्वीप को अपनी सीमा से बाहर मान लिया है और इसे इसके दुखद अतीत के भूतों पर छोड़ दिया है। यह जगह इतनी भयावह है कि इसे पूरी तरह से छोड़ दिया गया है। आतंक का कांस्य पदक संयुक्त राज्य अमेरिका में मर्टल्स के सेंट फ्रांसिस विले के केंद्र में स्थित मर्टल्स बागान एक भव्य पुराना डैम है जो इतिहास में डूबा हुआ है और रहस्य में डूबा हुआ है। 1799 में निर्मित इसने 2 शताब्दियों से अधिक समय तक जीवन, मृत्यु और इनके बीच की सभी चीजों को देखा है। ये बागान के गुलाम क्लो की कहानी है जो हमारी रीढ़ को झकझोर कर रख देती है। जैसा कि किंवदंती है, क्लो को छिपकर बात करते हुए पकड़ा गया था, बदला लेने के लिए पर उसने जन्मदिन के केक में जहर मिला दिया, जिससे अनजाने में 2 बच्चों की मौत हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि क्लो की आत्मा अभी भी बागान में भटकती है। देखना सुबह की कॉफी की तरह ही आम बात है। यहाँ आगंतुक बच्चों की परछाइयां, हरे रंग की पगड़ी में एक महिला और यहाँ तक कि एक दर्पण पर रहस्यमय ढंग से दिखाई देने वाले परेशान कर देने वाली भयानक पदचाप और डरावनी फोटोग्राफिक विसंगतियां भयावह आकर्षण को बढ़ा देती हैं। मर्टल्स बागान, जहां इतिहास और भयावहता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दूसरे नंबर पर आते हुए हम यूक्रेन के भूतिया शहर पिपरियात का दौरा करते हैं। एक समय एक हलचल भरा शहर, लगभग 50 लोगों का घर प्रिपिट को चेरनोबिल आपदा के बाद अचानक खाली कर दिया गया था। 1966 में दुनिया की सबसे विनाशकारी परमाणु दुर्घटना के मात्र 36 घंटे बाद शहर वीरान हो गया था और अपने पीछे समय में जमे हुए सोवियत जीवन स्कूलों में किताबें अभी भी डेस्क पर खुली हो गया था। फेरिस व्हील पर कभी सवारी नहीं की गई और निजी सामानों से भरे घर सभी जल्दबाजी में हुए पलायन के भयानक अवशेष के रूप में खड़े हैं। विकिरण का स्तर हालांकि अब काफी कम हो गया है, फिर भी यह क्षेत्र मनुष्यों के लिए काफी हद तक निर्जन है, लेकिन खतरों के बावजूद प्रकृति वन्य जीवन के प्रति लचीली साबित हुई है। परित्यक्त शहर को पुनः प्राप्त करते हुए पिपरियात अब परमाणु ऊर्जा की शक्ति और खतरे का एक भयावह प्रमाण है। एक शहर हमेशा के लिए अतीत में फंसा हुआ है और एक परमाणु आपदा की भयावह याद दिलाता है। यह एक ऐसी जगह है जहां समय स्थिर है और इतिहास अपरिहार्य रूप से मौजूद है। और अब पृथ्वी पर सबसे भयावह जगह, इटली में कैपुचिन्स के प्रलय। यह डरावनी भूल भुलैया बीते युग का एक प्रमाण है, जहां कैपुचिन संप्रदाय के भिक्षुओं ने संरक्षण का एक अनोखा यदि कुछ हद तक भयानक रूप अपनाया था। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कैटाकॉम्ब एक साधारण दफन स्थल के रूप में शुरू हुआ, लेकिन जल्द ही इससे कहीं अधिक विकसित हो गया भयानक। शवों को सावधानी पूर्वक क्षत विक्षत किया गया, उन्हें बेहतरीन पोशाक पहनाई गई
और फिर सभी के देखने के लिए प्रदर्शित किया गया। यह किसी रुग्ण आकर्षण के कारण नहीं किया गया था, बल्कि जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति में गहरे विश्वास के कारण किया गया था। जैसे ही आप प्रलय से गुजरते हैं, आप दीवारों पर सैकड़ों अच्छी तरह से संरक्षित शवों को देखने की भावना से बच नहीं सकते। हवा में एक अजीब सी खामोशी है, जो अतीत की फुसफुसाहटों से घिरी हुई है। मौत महज एक सिद्धांत नहीं है, परंतु एक ऐसी हकीकत है जिसे आप स्पर्श और दर्शन कर सकते हैं। यहां देखिए, पृथ्वी पर शीर्ष 10 अत्यंत डरावने स्थलों की सूची है। लंदन के अनहोनी टावर से लेकर आओ की गहारा के रहस्यमयी जंगलों तक प्रत्येक स्थान की अपनी विशिष्ट और रोमांचक कथा है। हम पेरिस के कंकालों वाले प्रलय में उतर चुके हैं और पूर्वी राज्य प्रायद्वीप के भूताहा हॉलों में भटक चुके हैं। हमने गुड़ियों के द्वीप की यात्रा की है, स्टैनली होटल की गहराइयों में कदम रखने का साहस किया है, और कैपुचिन्स की हड्डियां कंपा देने वाली प्रलय को कौन भूल सकता है। इस कठिन यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। याद रखें, जिज्ञासा ने बिल्ली को मार डाला होगा, लेकिन संतुष्टि ने उसे वापस ला दिया। You say no.